वॉशिंग मशीन है, इसमें डोर लॉक कैसे डायरेक्ट करना है वो मैं चेक कर, इसमें डोर की एरर आई है वॉशिंग मशीन में, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार डोर की एरर आई तो क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले रिमूव करके अभी हम अपने कस्टमर के घर पे आया तो यहाँ पे डोर लॉक तो होगा नहीं, तो हमको सबसे पहले डोर लॉक डायरेक्ट करके चेक करना, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें सर्किट में आगे भी कोई इश्यू है या फिर डोर लॉक में ही है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो इसको रिमूव करके इसका डोर लॉक बाहर निकालना पड़ेगा। तो डोर लॉक निकालने के लिए ये रिंग निकाल दी, उसके बाद में ये निकाल दें, इसके बाद ये डोर लॉक जो लगा उसको निकाल देने का। अब इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करने का, सबसे पहले ये नंबर लिखे हुए ना वो नंबर नोट कर देने का, इस पर नंबर लिखा हुआ 2 3 1। तो डोर लॉक डायरेक्ट करने के लिए हमेशा क्या 2 और 3 नंबर को डायरेक्ट करेंगे। तो मैं करके एक बार देख लेता हूँ कि डायरेक्ट होने पे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है मशीन। सबसे पहले एक वायर का टुकड़ा लेंगे छोटा सा, कोई भी मशीन हो, फ्रंट लोड आई भी, उसके अंदर 2 और 3 नंबर जो लिखे होता है उससे डायरेक्ट कर सकते हैं आप डोर लॉक। तो उसको डायरेक्ट करने के लिए मैंने 2 नंबर में वायर भरा है, उसको ही जस्ट 3 नंबर में भरा दिया है। अब उसके बाद में मैं मशीन ऑन करूँगा और चेक करूँगा कि इसका डोर लॉक डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने ऑन कर दिया, उसके बाद में ये स्विच ऑन कर दिया। अब मैं मशीन को देखता हूँ कि डोर लॉक इसका डायरेक्ट ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने इसको स्पिन पर डाल दिया, अब मैं स्टार्ट देता हूँ। अगर डोर का एरर आ गया तो समझ लो कि इसका डोर लॉक डायरेक्ट नहीं हुआ है और डोर का एरर नहीं है, ये मशीन घूम रही है, ये खुला हुआ है फिर भी मशीन घूम रही है, मतलब इसका डोर लॉक डायरेक्ट हो गया है। और डायरेक्ट करने के लिए 2 और 3 नंबर को डायरेक्ट करके देख लेना होता है।